मित्रों चारों तरफ गदर 2 फिल्म की चर्चा जोरों पर है। अभी तक इसके टीजर को 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। एक तरफ जहां फिल्म के एक्शन सीन्स की बात की जा रही है तो एक तरफ इसके डायलॉग्स दर्शकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। जैसे कि तारा सिंह का बेटा पाकिस्तान के एक ऑफिसर से बोलता है, नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना आप, अपने लिए दुआ मांग लेना कि मेरा बाप यहाँ ना आए, क्योंकि अगर वो आ गया ना तो तेरे इतने चीथड़े करेगा कि पूरा पाकिस्तान गिन भी नहीं पाएगा। तारा सिंह एक सीन में बोलता है, अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। एक और तारा सिंह का डायलॉग है जो बहुत ही वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी से तारा सिंह कहता है, कटोरा लेकर घूमोगे भीख नहीं मिलेगी। अगर पाकिस्तान के आज के हालात को देखें तो ये दोनों डायलॉग पाकिस्तान पर एकदम सटीक बैठते हैं। मित्रों आप गदर 2 के सीन को देखें और बताएं कि आपको क्या याद आता है। जी हाँ, इसे याद आता है महाभारत का वह दृश्य जब भीष्म पितामह का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने उस वचन को तोड़ देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो युद्ध में हथियार कभी नहीं उठाएंगे। वहीं भीष्म पितामह जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वो कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो भगवान मैं आपसे आपका वचन तोड़वा के रहूंगा। महाभारत के युद्ध के समय जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि एक तरफ भीष्म पितामह को हराने के लिए अर्जुन अपना पूरा सामर्थ्य नहीं दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भीष्म पितामह पांडवों की सेना को खत्म करते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पांडव हार जाएंगे, जिससे धर्म पर अधर्म की विजय हो जाएगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरते हैं और एक रथ का पहिया उठाकर भीष्म पितामह का वध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह देख अर्जुन की आंखें खुल जाती है और वह भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लेता है और कहता है, भगवान आप मेरे लिए अपना वचन मत तोड़िए, मैं अपना पूरा सामर्थ्य लगा दूंगा और भीष्म पितामह को हरा कर आऊंगा। तो मित्रों महाभारत के इसी दृश्य से प्रेरित है गदर मूवी का यह सीन। इसके साथ ही जब टीजर और ट्रेलर दोनों में तारा सिंह के एक्शन सीन्स को दिखाया जाता है तो बैकग्राउंड में भगवद गीता के श्लोक सुनाई देते हैं जो इन सीन्स को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना देते हैं। टीजर में जो भगवद गीता का श्लोक यूज किया गया है वो है अध्याय 4 का श्लोक 8, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, साधु संतों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता रहता हूँ। ट्रेलर में भगवद गीता के जिस श्लोक को यूज किया गया वो है अध्याय 2 का श्लोक 23, नैनम छिदन्ति शत्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में कहते हैं, ना तो इसे कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है और ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। मित्रों ये सोचने वाली बात है कि हर धर्म के लोग अपनी कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक जरूर पढ़ते हैं, लेकिन हिंदुओं में आपको मुश्किल से 5% लोग ही ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपनी धर्म की कोई ना कोई पुस्तक पढ़ी हो। तो अगर आप भी इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो भगवद गीता इसके लिए सबसे उत्तम पुस्तक रहेगी। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यह कहा है दुनिया के तमाम प्रतिभाशील और महान लोगों ने जिनका पूरा जीवन भगवद गीता ने बदल कर रख दिया। तो मित्रों अगर आप पूरी भगवद गीता पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं और अपने परिवार के लिए भगवद गीता मंगवा लें, इसे पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। मित्रों टीजर और ट्रेलर में जो दिखा वो मैंने आपको बता दिया, अब मूवी देखकर ही पता लगेगा कि इस मूवी का महाभारत से क्या और कितना कनेक्शन है, यह मूवी कितनी सफल होती है या नहीं होती। आप इस मूवी को देखने जा रहे हैं या नहीं आप हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा।